बैंड पार्टी व्यवसायों की भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। लॉकडाउन के कारण वो अब जीवन अस्त व्यस्त में पड़े हुए हैं। जी हाँ, नमस्कार, जगदूत न्यूज़ में देव जी आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़, पटना से सनोवर खान की खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी के कारण देश राज्य लॉकडाउन की प्रक्रिया में जारी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं लॉकडाउन के कारण कुछ छूट मिली तो कुछ, जिसमें बैंड पार्टी बाजार झार फाटक समेत भीड़भाड़ वाला माहौल पर भी समेत पाबंदियां लगा दी गई है, जिसके कारण बैंड पार्टी और झार किला वाले समसामयिक सीजनली व्यवसायिक से जुड़े लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उनका रोजी रोजगार जो चला करता था, उन सबों को भूखों मरने की नौबत आ गई है, जिसको लेकर बिहार बैंड एसोसिएशन वेलफेयर संघ के लोगों ने सुल्तानगंज इलाके में सड़क पर बेबसी का स्लोगन भरी बैनर पोस्टर लगाकर सोशल डिस्टेंस के साथ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग की कि 25 नवंबर से बैंड पार्टी पर रोक लगाने का आदेश वापस लिया जाए और 12 दिसंबर तक बैंड पार्टी व्यवसाय सदस्यों को लॉकडाउन में छूट दिया जाए। वहीं संघ के लोगों ने इस बारे में जिलाधिकारी से भी ज्ञापन व आवेदन दिया। आइए सुनते हैं दर्दनाक दर्द की आवाज़ जो हम सबों को मनोरंजन के साथ सुनाते थे और आज वह खुद ही खामोश होने को तैयार हैं। उनकी पेट की भूख, परिवार की आह भी जवाब दे रही है। आइए उनके सुनते हैं दास्तां, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बैंड पार्टी बाजा, बताइए क्या मांगे हैं और किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुन ले, कम से कम 12 तारीख तक बजाने का हमें अनुमति दे, इसलिए कि आगे भी लगन नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च तक कोई लगन नहीं है। 15 दिसंबर हम लोग बाल बच्चा रोड पे आ जाएगा, हम लोग का कोई काम नहीं है। और सरकार बोलती है कि नौकरी देंगे, नौकरी हमारी छीन रही है सरकार, रोजगार हमारा कुछ है ही नहीं इसको कमाने का। हम लोग यही हम लोग को बजाने का, हम लोग का यही रोजी रोटी का जरिया कमाने का बैंड लाइट भांगड़ा ये सब को अगर मना करेगा तो इन लोग क्या करेगा आदमी?